सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर जो ऐतिहासिक फैसला आया है, इसके पीछे दो लोगों की प्रमुख भूमिका मानी जा सकती है। एक तो है निर्मोही अखाड़ा, जो 1528 के बाद से ही मंदिर परिसर में मौजूद चबूतरे पर पूजा अर्चना कर रहा था। दूसरा श्रेय उसको है जिसने राम मंदिर मामले में राम लला को ही पार्टी बनाने का सुझाव दिया था। मजे की बात तो यह है कि यह न तो भाजपा और न ही बिहिप का आइडिया था, यह सुझाव तो तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह की ओर से आया था। सनद रहे कि गोपाल सिंह विशारद ने राम लला की पूजा का अधिकार मांगा था। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मंदिर प्रबंधन का अधिकार मांगा था और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग की थी। 1988-89 में जब मंदिर आंदोलन उफान पर था, तो बूटा सिंह ने विहिप के नेताओं को समझाया था कि केवल आंदोलन से मंदिर नहीं बनेगा, या तो अदालत का आदेश आए या फिर संसद से प्रस्ताव पारित हो और आपके संसद में केवल 2 सदस्य हैं, आपकी बात कितनी सुनी जाएगी कह नहीं सकता, और अदालत में आपने स्वामित्व की मांग ही नहीं की है तो फैसला आपके हक में हो नहीं सकता। मंदिर तभी बन सकता है जब जमीन आपके पास होगी, कहते हैं। इसके बाद बूटा सिंह ने विहिप नेताओं को पटना में सिविल कानून के बड़े ज्ञाता लाल नारायण सिन्हा के पास जाने को कहा। इसके बाद ही इलाहाबाद के जस्टिस देवकी नंदन अपने एक वकील मित्र के साथ सिन्हा से मिलने पटना पहुंचे। कहते हैं सिन्हा का ही आइडिया था कि मंदिर का अधिकार वहां के भगवान यानी रामलला और जन्म स्थान को ही पार्टी बना दिया जाए। इसके बाद ही 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहते हुए मुकदमा दायर किया कि मैं देवकी नंदन राम लला का मित्र हूँ तो उनकी ओर से ये मुकदमा कर रहा हूँ। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्मोही अखाड़े को ये कहकर शांत करा दिया था कि आपको तो पूजा अर्चना का अधिकार चाहिए, पर ये मुकदमा तो जमीन का है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।